नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। कोविड के इस पीरियड में लगातार लोग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसी बीच एक और परेशानी निकलकर लोगों के सामने आई है। लोगों ने सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर कई सवाल भी दागे हैं और कई तरह की मांगें भी उठाई हैं। हम बात कर रहे हैं लुधियाना के सराफा बाजार मार्केट की, जहां पर लोगों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से सुरक्षा को लेकर कई तरह की मांग प्रशासन से की गई है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि बेशक CCTV कैमरास और तमाम इंतजाम हमारी तरफ से किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन से भी उन्होंने सख्त सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मकश और डर उनको ये सता रहा है कि कोविड के इस पीरियड में जहां लूटपाट की कई तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, तो इसी तरह से सुरक्षा की यकीनी बनाया जा सके। तो इन व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। कितना कितने साड़ी सेफ्टी रहेगी तो सानू इहदा बेनीफिट मिलेगा, क्योंकि असी भी सरकार नू टैक्स भरदे आ, साडा बड़ा राजस्व सरकार नू जांदा है। असी तो सरकार अगर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मैं बाजार वालों तो अपने पूरे स्वर्णकार संघ वालों सरकार अगर गुजारिश करता हाँ, कितना कितने साड़ी सेफ्टी वास्ते पुख्ता इंतजाम किए जाए। पर असी लोगों की ट्रैफिक तो बड़े ज़्यादा तंग आ, लोग कितने को चुड़े बाजार जाना होंगे, किसी ने गुड़ मंडी जाना होंगे, स्कूटर इतने ला देंगे। प्रशासन प्रशासन असं अपने तौर पर अपने गोरखे रखे हुए हैं जी। प्रशासन कैमरे तकरीबन सब अपने 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 ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ UP ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚਬਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰਾਜਸਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਵਰਣਕਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੜੇ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ये आपने सुना कि व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनकी मांगें रहीं। तो इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।